फैसला कर लिया। ये मैंने अब सारा मेरा जो केस बना हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान आपने फैसला गलत किया, आपने ये फैसला इसलिए किया कि वो अल कादर ट्रस्ट जो एक साल पहले बनना शुरू हो गया था आपने फैसला किया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी इससे 7 महीने पहले, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अल कादर ट्रस्ट में क्योंकि आपको फाइनेंशियली फायदा हुआ जो कि नहीं हुआ इसलिए आपने ये गलत फैसला किया। अब ये फैसला क्या था जरा आपने आप समझना है कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर, कैबिनेट के सामने ये चीज रखी गई कि जी हमारे एक मलिक रियाज के और एनसीए, एनसीए होता है नेशनल क्राइम्स, उनकी नेशनल क्राइम होती है एजेंसी, वो एनसीए ने मलिक रियाज के पैसे फ्रीज कर दिए 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड के अंदर। और वर्ड ये सुने, उन्होंने कहा ये सस्पिशियस ट्रांसैक्शन है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये पैसा ये व्हाइट पैसा नहीं है, ब्लैक का पैसा, उन्होंने पैसे फ्रीज कर दिए। मलिक रियाज और एनसीए के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाती है, उनके वकील अग्रीमेंट कर लेते हैं, उस अग्रीमेंट के तहत ये फैसला होता है, मलिक रियाज कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये मैं पाकिस्तान में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था जो मेरे ऊपर जुर्माना लगा था मैं ये उस अकाउंट में डालना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के। हमारी कैबिनेट के सामने अब ये आता है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, अगर आप इसको ये अग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे यानी आप कैबिनेट के अंदर खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये था कि जब कैबिनेट में अग्रीमेंट खुलेगी तो वो पब्लिक हो जाएगी क्योंकि कैबिनेट के मिनट्स पब्लिक हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो पब्लिक हो जाएगी इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन अगर अदालत खोलना चाहे तो वो खोल सकती है या कोई एजेंसी नैब कोई खोलना चाहे खोल सकती है, ये थी अग्रीमेंट। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते, अब ये जरा गौर से सुने, अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते तो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बरतानिया के अंदर जाके केस करना पड़ेगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गया है, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अब समझ गए, अब अगर आप ये केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा, ये आपका 190 मिलियन पाउंड चला जाएगा, ये इंग्लैंड में रह जाएगा, तो अगर आपको केस जीत जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान में आएगा और वो दूसरी मत में आएगा, वो आएगा उस मत के अंदर के ये जो ऑब्वियसली इल्जाम है।